निकलना है घर से। आपने बताया नहीं इनका अपना नाम? बेटा बताया, बस आपसे उठी जरा शायद। अस्सलामुअलैकुम बच्चों के सेफ सिटी के साथ, मैं हूँ मीरा मुश्ताक और आज हम बच्चों से पूछेंगे कि क्या उन्हें अपने पेरेंट्स का नंबर याद है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये बहुत खराब बाजार है, इसमें बच्चे जो हैं अपने माँ बाप के साथ आते हैं तो उनमें से कई तो गुम भी जाते हैं, तो उन्हें याद होना चाहिए अपने माँ बाप का नंबर वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो आए हम पूछते हैं और बच्चों से कि क्या उन्हें अपने पेरेंट्स के नंबर याद हैं। क्या नाम है आपका? अलिशा जमान। कहाँ से आई हैं आप? हम पेशावर से आए हैं। शॉपिंग कर रही हैं? जी जी। तो आप किसके साथ आई हैं? मैं अपनी मम्मा के साथ आई हूँ। तो आपको अपना एड्रेस याद है? जी। और फ़ोन नंबर अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? जी, मैं अपनी मम्मा का फ़ोन करूँगी, बाबा का भी है मुझे। आपको अपना एड्रेस याद है? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अज़रा। आप कैसी हैं? ठीक। आप किसके साथ आई हैं? वो अपनी वादी के साथ। अच्छा, आपको मज़ा आया यहाँ पे? हाँ जी। आपको अपने घर का एड्रेस पता है? हाँ जी। और अपनी मामा का एड्रेस वगैरह पता है? अगर आप घूम जाती है तो आप क्या करेंगी? अपने मुझे पता है, मैं पूछ लूँगी। ठीक। घर कैसे पहुँचेंगी आप? फ़ोन नंबर नहीं पता अपने मामू का। लेकिन आपको अपनी मामा का भी पता होना चाहिए ना? मामा को याद कर लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जन्नत। ठीक है आप? आपको मजा आ रहा है यहाँ पे? ठीक है। हाँ। मामा का फोन नंबर आपको पता है? नहीं। आपको तो याद होना चाहिए ना? पापा का पता है आपको? अगर कोई आपको चीज़ दे तो क्या आप खाओगी? नहीं। ये बहुत अच्छी बच्ची है और इसे अपने मामा पापा का नंबर नहीं आता, लेकिन मैं इसकी मामा पापा को कहूँगी कि इसे याद करवा दें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अनाया। आप कहाँ से आई हैं? मैं किसान से आई। आपको मज़ा आ रहा है यहाँ आके? जी। तो अगर कोई आप घूम जाती हैं तो आपको अपने मामा पापा का नंबर याद है? जी। तो आप फिर क्या करेंगी अगर आप घूम जाती हैं तो? मैं कॉल कर दूँगी अपने मामा पापा। आप दूसरों से कहेंगी कि प्लीज़ आप मुझे मतलब फ़ोन दे दें थोड़ी देर के लिए? नहीं, मेरे पास है। ओके ठीक है। और फिर आप अगर कोई चीज़ देगा आपको तो आप ले क्या लेके खाएंगे? नहीं। क्यों नहीं खाएंगे आप? क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। चलिए किसी और से भी बात करते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? हाँ, हानिया। हानिया। हानिया बहुत क्यूट है। आपने इन बच्चों को बताया है कि ये अगर घूम जाए तो फिर बच्चों की खुद केयर करनी पड़ती है। अच्छा ठीक है। ये तो अभी छोटे हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे फिर आप इन्हें बताएंगे ना? बिल्कुल बताएंगे। और कोई हुक्म? क्या नाम है आपका? उमरेला। आप कहाँ से आई हैं? बलपिंडी। आपको मज़ा आ रहा है लाहौर आके? आ रहा है। अच्छा, आपने क्या क्या किया आपने शॉपिंग में? अभी शॉपिंग थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह ली है, मोटे वगैरह। अच्छा, अगर आप यहाँ पे गुम हो जाती हैं तो आप क्या करेंगी? मैं कॉल करूँगी किसी बंदे से मोबाइल लेके कि आपको फ़ोन नंबर आता है अपने मामा पापा का? जी। आप किसके साथ आई हैं? अपनी मम्मा और अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। ठीक है। अगर कोई आपको ट्रॉफी वगैरह दे तो आप क्या करेंगी? मैं नहीं लूँगी। बच्चे को क्या कहेंगी आज जो गुम हो जाते हैं? कि आप अपने पेरेंट्स से जल्द से कांटेक्ट करें और किसी के पास में। क्या नाम है आपका? जोहा। कहाँ से आई हैं आप? मैं घर से। आपको अपना एड्रेस पता है? एड्रेस यस।
और अगर आप गुम हो जाती हैं तो फिर आप क्या करेंगी? या तो मैं कोई पुलिस ऑफिसर पास होगा उसको बताऊंगी, या फिर मैं अपना एड्रेस किसी से फ़ोन कॉल करवाऊंगी। ठीक है, तो अगर कोई आपको चीज़ देता है तो फिर क्या आप लेंगी वो? नहीं। क्यों नहीं लेंगी आप? क्योंकि उसमें मुझे तो नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, कुछ कोई मेडिसिन वगैरह भी हो सकती हैं, इसलिए मैं नहीं लूँगी। ठीक है, किसी भी स्ट्रेंजर से कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। मम्मा पापा के साथ रहते हैं, हाथ छुड़वा के भाग जाते हैं? साथ ही रहती हूँ मम्मा के। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? कहाँ से आए हैं आप लोग? इस्लामाबाद। मज़ा आ रहा है आपको यहाँ पे? आपने इन्हें अपना फोन नंबर वगैरह याद करवाया हुआ है? हाँ बेटा, इस बेटी को आता है मेरी, इसको अभी नहीं आता, इसको थोड़ा देर में याद कराया। आप बच्चों के लिए क्या पैगाम देंगे जो बाजार आते हैं? बेटा आजकल तो सब बच्चों को बहुत ख्याल करना चाहिए, अपने वालदैन के साथ रहना चाहिए, ठीक है। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आप लोग इसमें अवेयरनेस क्रिएट करें कि फ़ोन नंबर और घर का एड्रेस बच्चों को याद होना चाहिए जब वो बाहर निकले, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी ताकि वो किसी को कॉल करनी पड़े तो कर सके। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। जी तो बच्चों, आप लोगों को हम लोगों ने इधर कितने बच्चों से बात की और हमने उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपने पेरेंट्स का नंबर याद है। कईयों ने कहा कि हमें अपना पेरेंट्स का नंबर याद है और कईयों ने कहा कि हमें नहीं याद क्योंकि वो बहुत छोटे थे। तो आप भी अपने पेरेंट्स के बिल्कुल पास रहें ताकि आपको कोई किडनैप ना कर पाए। और अगर आप गुम भी जाते हैं तो फिर आप लोग 15 पे कॉल करें, और अगर आपको नंबर नहीं आता अपने पेरेंट्स का तो फिर 15 पे कॉल करें, और अगर आता है तो फिर आप लोग आप किसी से भी कहें कि हम लोग गुम गए हैं, और फिर आप वहाँ पे अपने घर जा सकते हैं। बच्चों, आपको अगर अपने पेरेंट्स का नंबर याद नहीं है तो आप 15 पे कॉल करें और पुलिस की मदद लें, और आप फिर आप घर पहुँच जाएंगे। अब मुझे इजाज़त दें, सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ मीरा मुश्ताक।